हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनकी हार्टली फीलिंग्स क्या हैं आपके दिल के लिए। ठीक है, उनके दिल की बातें आपके दिल तक क्या हैं। ठीक है, वो अपने दिल की बातें ऐसी क्या रखी हुई है उन्होंने अपने दिल में जो आपके दिल तक पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके दिल की फीलिंग्स आपके दिल के लिए क्या है। ठीक है, ये है टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर की तरफ से, क्या है उनकी फीलिंग्स, हार्टली फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ। राइट नाउ जो भी होगा वही आएगा गाइज यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गए हमारे पास, लाइफ पर्पस एंड सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, अबंडेंस, ओके एक और कार्ड आ गया, सेरेंडिपिटी। इमोशनल फ्रीडम, एंड वर्थीनेस। ओ वाओ, वी हैव डिवाइन फेमिनिन एंड द गार्डन, द गार्डनर। वाओ गाइस, डिवाइन फेमिनिन और जानते हैं वर्थीनेस का भी कार्ड है साथ में, डिवाइन फेमिनिन एंड वर्थीनेस। वाओ, एंड डिवाइन फेमिनिन विथ लाइफ पर्पस। वाओ, आप समझ पा रहे हैं इन कार्ड्स का मीनिंग। यहाँ पर क्लियर है कि इस पर्सन को लगता है कि आपका लाइफ पर्पस इस पर्सन मतलब आपके साथ जुड़ा हुआ है इस पर्सन का। इसको ऐसा फील होता है, इसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिलकर करेंगे। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है। मुझे लगता है आप दोनों इंट्यूटिव हो और ऑब्वियसली यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है तो यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन भी है। ठीक है, आप दोनों के बीच में, आप दोनों अभी राइट नाउ अपने अपने लाइफ पर्पस पर काम कर रहे हो। लेकिन गाइज, आपका लाइफ पर्पस एक ही है, आप अपने हिस्से के काम कर रहे हो, आपके पार्टनर अपने हिस्से के काम कर रहे हैं और एक दिन वो जरूर आएगा जब आप दोनों का यूनियन होगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ और ये बिल्कुल सच है यहाँ पर। लेकिन अभी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ इसका एक लाइफ पर्पस है जिस पर आप दोनों को मिलकर काम करना है। ये पर्सन आपको बहुत यूनिक मानते हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपसे गेट कर पाते हैं। आप बहुत ही इस पर्सन के लिए एक अडोरेबल पर्सन हैं, आपको अडोर करते हैं, आपको लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए और सिर्फ सेक्सुअल फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशनल है, बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए। मतलब ये बहुत ही एक ट्रू कनेक्शन, ट्रू फीलिंग्स मैं कह सकती हूँ जो वो आपके लिए सोचते हैं। फिलहाल सबसे अच्छी बात जो इस पर्सन को लग रही है आपकी राइट नाउ, जो ये बहुत दिल से पसंद करते हैं, जो एक बात आपकी है वो ये है कि आपने ना इस पर्सन को पकड़ के नहीं रखा, आपने इसको इतनी फ्रीडम दी कि ये अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आपने जब इनके साथ, जब आपने जब इनको मतलब जाने दिया या फिर इनको फोर्स नहीं करा, इनको चेज नहीं करा, और आपने किस तरीके से खुद को संभाला, कितनी ब्यूटीफुली वे में आपने खुद को संभाला। और देखो ना, यहाँ से भी ना गार्डन का कार्ड है, अपने गार्डन को क्रिएट करा, अपने गार्डन को आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, हार्डवर्क से जो सक्सेस अचीव की है उसे भी आपके पार्टनर एडमायर कर रहे हैं आपके लिए। इवन आपके पार्टनर तो अभी भी गार्डनर का ही रोल प्ले कर रहे हैं, अभी तो ये अपने इनर वर्क में बिजी हैं। लेकिन जिस तरीके से आपकी प्रोग्रेस, आपके एफर्ट्स जो देख रहे हैं ना आपके पार्टनर, चाहे वो आपने अभी स्टार्ट करे हैं या फिर आपने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ है और आपके पार्टनर को अपडेट्स मिल रही है आपकी, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को एडमायर कर रहे हैं। ओवरऑल वो आपकी सक्सेस को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और जिस तरीके से, क्योंकि देखो इस पर्सन को अच्छे से पता है कि जब कोई इंसान किसी से अलग होता है तो कितना टॉर्चर, कितने इमोशनल टॉर्चर से इंसान को गुजरना पड़ता है, वहां से आपने अपने आप को कैसे बैलेंस करा और कर रहे हो अभी तक भी, इस चीज को आपके पार्टनर एडमायर करते हैं, स्ट्रेंथ को एडमायर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को एडमायर करते हैं, ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एडमायर करते हैं। आप बाय लुक
बहुत ही प्रिटी होगे, अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली आप बहुत हैंडसम होंगे, और जिस तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो इन चैलेंजेस को फेस कर कर, तो ये तो आपके एक यूनिकनेस है ही। इसके अलावा गाइज आप दिखने में भी बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छा फिगर, बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छा मतलब फीचर्स हैं आपके, तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आपके पार्टनर को। ओवरऑल आपका डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ और आप एक प्योर सोल हैं। आप दोनों के बीच में आज चाहे आप अलग भी हैं फिर भी सेक्सुअल अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन नहीं ख़त्म होगा क्योंकि ये सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो मेन कार्ड है वो है सेरेंडिपिटी और अबंडेंस। कहीं ना कहीं ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है आप दोनों के माइंड में कि ये चीज़ें नसीब पर छोड़ दी जानी चाहिए। लाइक ये कनेक्शन और इस कनेक्शन से जुड़ी हुई कोई भी अटैचमेंट, हर चीज़ सरेंडर कर देनी चाहिए क्योंकि आपके माइंड में फिक्स है कि आपको एट दी एंड अबंडेंस मिलने वाला है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा अगर ये एक डिवाइन कनेक्शन है तो। आपको पता है जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, डिवाइन की विल पावर के अंडर हो रहा है, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एट दी एंड आप दोनों को ये कनेक्शन में अबंडेंस मिलेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी आप दोनों के काम खत्म नहीं हुए, इसीलिए आप वेट कर रहे हो, आप आराम से वेट कर रहे हो। क्यों आराम से कर रहे हो? क्योंकि गाइज यू नो वेरी वेल दैट क्या होने वाला है एट दी एंड। तो ये जो एक स्पिरिट आपके अंदर है, जो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही है, तो आपको 100% सुनना चाहिए क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, ठीक है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन, मैसेजेस, पैटर्न, साइन, नंबर, मे बी आपके पार्टनर का नाम, तो ये सारे जो साइन है ना ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ बनकर आएगी, ठीक है। आपका एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो और ज़्यादा हाई कर देगी ये साइन, ये पैटर्न, नंबर्स, एवरीथिंग, ओके। तो इसीलिए इन सब इन सारी चीज़ों पे कंसिडर कीजिए, और जितनी भी टेंशन अगर इस कनेक्शन को लेकर थोड़ी बहुत भी कहीं ना कहीं दिमाग में है तो प्लीज़ उसको बिल्कुल हटा दीजिए, क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी नेगेटिव थॉट्स रखना आपके माइंड में इस टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बिल्कुल बिलीव कीजिए, नसीब में लिखा है तो आना ही है ना, बिल्कुल आना है। और नसीब में क्यों नहीं लिखा, आप डिवाइन फेमिनिन है उस पर्सन की लाइफ पर्पस। आप एक बात मान लीजिए, अगर लाइफ पर्पस साथ होता है ना तो मिलना पड़ता है, मिलना पड़ता है। और ट्रू लव में तो इंसान जन्मों जन्मों तक वेट कर लेते हैं, मानते हैं ना आप बात? क्योंकि देखो मैं ये चीज आज जरूर बोलूंगी, हो सकता है इस चैनल पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी इन जर्नी के बारे में नहीं पता, और जिनको नहीं पता तो इसका मतलब है या तो आप इस जर्नी में नहीं हैं या फिर अब आपको पता लगने वाला है इस जर्नी के बारे में कि आप डिवाइन जर्नी में है या फिर स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं या आप किसी के ट्विन फ्लेम है या किसी के हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन अब आप तक आने लग रहा है तो मे बी आप हो इस जर्नी में, लेकिन ये हर कोई इस जर्नी में नहीं हो सकता। और एक मैं आपको और बात बताना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर डिवाइन फेमिनेंस हैं गाइज, आपके पार्टनर चाहे आपको कितने भी ट्रिगर्स दे दें, कितना भी पेन दें, कितना भी इंसल्ट कर लें, आप उनको कभी बुराई नहीं कर सकते। आप उनके लिए कभी हेट नहीं रख सकते अपने मन में। तो अगर आपके मन में हेट आ रहा है, आप उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, आप उनकी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इस जर्नी में नहीं हो, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन की बुराई नहीं कर सकती, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, और वो हमेशा समझती हैं कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो रीज़न पता करने की कोशिश करती हैं, इस जर्नी को ठीक करने की कोशिश करती हैं, ना कि अपने पार्टनर को कोसती हैं, ठीक है। चाहे फिर वो ये डिवाइन फेमिनिन लड़का भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, क्योंकि ये तो एनर्जी है जो प्यार में पहले पड़ता है वो फेमिनिन एनर्जी में होता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है यहाँ पर। तो अगर हेट आ रहा है ना मन में तो फिर आप नहीं हो इस जर्नी में, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस जर्नी में तो हो लेकिन जिस पार्टनर के लिए आप पूछ रहे हो वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है। फिर ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि आपके पार्टनर तो देखो ना कितना अच्छा सोच रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही फील कर रहे हैं आपके बारे में, आपको आपके लिए ये पर्सन मुझे लगता है मैनिफेस्ट भी करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें सॉल्व हो जाएं और ठीक हो जाएं लाइफ में। ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ।
अब एक बार टैरो से देख लेते हैं, टैरो में क्या आता है आपके लिए, यहाँ से क्या आता है। वेट अ सेकेंड, ओके स्टार्ट करते हैं अब। नाइन ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन आपको अपनी विशेज मानते हैं, अपनी खुशियां मानते हैं, आप इसके लिए अबेंडेंस का सोर्स हैं। ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, दिल से वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जजमेंट हो और सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं। देखो टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं आप दोनों, और थोड़ी बहुत बातें अभी आपसे छुपा भी रहे हैं। अगर कुछ चेंजेस इसकी लाइफ में हुए हैं तो वो बातें छुपा रहे हैं, लेकिन ये रिकन्सिलिएशन के लिए प्रेयर करते हैं, दिल से प्रेयर करते हैं, जैसे आप कर रहे हो ना रिकन्सिलिएशन के लिए प्रेयर, ऐसे इसकी सोल प्रेयर करती है। ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन में आ जाए, क्योंकि ये देखो अगर ये कनेक्शन में, अगर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये उदास हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, पर ये प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस जर्नी में, ताकि बैलेंस बने, डिवाइन अपना जजमेंट दे। अगर ये दूर हैं आपसे तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। 77 मास्टर नंबर भी है यहाँ पर, सॉरी कहना चाहते हैं, डिसाइड कर रहे हैं कैसे कहें, क्या अप्रोच लगाएं, क्या बोलें, क्या कहने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्या कहने से सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, इस तरह से सोच रहा है ये पर्सन। तो बहुत ज़्यादा इसके अभी देखो ये अपने वर्क में बिजी है, स्ट्रेंथ बना रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है, इन सारी चीज़ों में इनका माइंड लगा हुआ है। तो जो भी होना है गाइज, एट दी एंड अच्छा ही होना है, अगर आप इस कनेक्शन में हो, इस जर्नी में हो, डोंट वरी, ओवर थिंकिंग ना कीजिए, बस अच्छा अच्छा सोचिए, क्योंकि आपके बिना तो ये भी अधूरे हैं, तो आएंगे तो 100% ही आपके पास। ओके चलिए अब कुछ मैसेजेस देखते हैं, क्या कहेंगे आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं जो इनके दिल में हैं और इनको कहना है आपसे। आई वॉन्ट ऑल विद यू, होम एंड किड्स, आई वॉन्ट इट ऑल विद यू। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ही प्यारा मैसेज दे दिया इन्होंने, तो घर बच्चे सब आपके साथ चाहिए। एंड वी हैव, यस माई स्टेटस इज फ्रॉम अ सॉन्ग, इट इज अ सटल मैसेज टू यू, टेक अ हिंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट है गाइड, ले लो उस हिंट को लो। आई विल नेवर से आई लव यू अनलेस आई मीन इट 100%, तो ये तब तक तो लव यू नहीं कहेंगे जब तक इसको 100% ये श्योरिटी नहीं ले लेते, ठीक है। चलिए इनको पढ़ते हैं अब। योर टच इज लाइक नो अदर्स, आई मिस योर ब्यूटिफुल स्माइल एंड जॉयस लाफ, दे यूज टू लाइट अप माई वर्ल्ड। आपकी ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी लाफ, सब मिस कर रहे हैं ये, क्योंकि ये इसकी लाइफ में रोशनी लेकर आती है। इफ़ आई कुड बी विद एनी वन इन द वर्ल्ड, आई वुड स्टिल चूज यू, यस, एंड आई स्टार्ट मिसिंग यू द मोमेंट यू लीव, यू मेक मी फील स्पेशल एंड आई लव दैट फीलिंग, एंड होल्डिंग योर हैंड्स इज द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड, ओके, यू आर द माइंड एंड आई विल ऑलवेज बी योर्स, टूडे, टूमोरो एंड फॉर एवर। Beautiful message. I feel like I abandoned you and myself when we broke up. I want to reconcile. Yes. I will never look at anyone the way I look at you. This is again beautiful message. I'm not perfect. I'll be there, but I am not perfect. I will never be, but I do love you with all of my heart. Wow. I'm going to reach out soon. Yes, and the whole twin flame stuff sometimes scares me. तो कभी कभी डर जाते हैं twin flame, देखो twin flame की बात आ गई ना, the whole twin flame stuff, क्यों बोला इस person ने ये, क्योंकि इसको ये समझ आ रहा है कि आप इसकी divine feminine है, आपका life purpose है एक साथ, ये चीजें समझ आ रही है इस person को, तभी इसने ये बात बोली है, ठीक है। गाइज दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।